हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं टू एवरीवन प्लीज काइंडली कंफर्म ओके गुड इवनिंग रानी कुमारी एंड नकाश। लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन न्यूज दिस वीक सुदीप गुड इवनिंग सुबह की क्लास में आप सुदीप आप नहीं थे ओके टुडे वी गो न टॉक अबाउट विरूपक्ष टेम्पल पापेकोंडा नेशनल पार्क रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पार्वती काली चंबल ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट

नया आप ये कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लिया गया है ताकि वैसे ये कोई स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नहीं है बट यहाँ पर कोशिश ये करी जा रही है कि आप वॉलंट्री बेसिस पे डिसेंसी को मेंटेन करें इन मंदिर क्योंकि देखिए अगर बात की जाए हम्पी की हम्पी के अंदर लोकेटेड है यह आपका टेम्पल

आप एक तरह से ये कह सकते हो कि विरुपक्ष टेम्पल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके कर्नाटका के हम्पी में यहां पर लोकेटेड है अगर बात की जाए इस विरुपक्ष टेम्पल की तो आपको याद रखना है कि इसे बनवाने का काम कृष्णदेव राय जी ने किया था अगर बात की जाए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था 1986 में और इसे पंपापथी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है

जो कि आगे जैसे खुलता है तो वहां पर बहुत छोटे छोटे आपके बहुत से श्राइन्स बने हुए हैं। इसके अलावा एक रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रिक से क्रिएट किया गया है ये स्ट्रक्चर अगर बात की जाए यहाँ पर कनक गिरी आपका एक गोपुरम है जिससे अगर आप गोपुरम मतलब डोर होता है तो यहां से अगर आप बाहर निकलते तो आगे तुंगभद्रा रिवर के सामने जाके खुलता है अब इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखने की इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया जैसे ट्रेंगुलर शेप का तो ये खुद टेम्पल है उसके अलावा मैथमेटिकल मेथिक, कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई किया गया कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में अब कृष्णा देव राय जो कि आपके एक इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर के रूलर रहे हैं तो उनका भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो पिलट हॉल है उनको इंस्टॉल करने में इन्होंने काफी मुख्य भूमिका निभाई है ये भी इसमें बताया जाता है अब यहाँ पर गॉड्स एंड गॉडेस की शादी वगैरह कंडक्ट की जाती है ऐसा कहा जाता है अब बात की जाए इसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो देखिए हम्पी के ऊपर एक बार ही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2019 में तो आपको फेमस प्लेसेस के बारे में बताया और रिवर्स के बारे में पूछा कि भाई जैसे पंधूपुर पंधुरपुर चंद्रभागा रिवर पे तिरुचिपल्ली कावेरी रिवर पे और हम्पी मालाब्रा माला प्रभा रिवर पे है क्या साउथ yes, इंडिया में है द्रिविडीन स्टाइल ही रहेगा नागरा आपका नॉर्थ इंडिया में रहेगा तो वो बीच में जैसे मंडप के आसपास या आप ये कोटियाट के आसपास दीवार बनी होगी आपको बीच में वेल भी मिलेगा वैसी चीजें सभी यहाँ पर देखने को मिलती है तो देखिये अगर बात की जाए यही अभी मैंने आपको बताया था कि तुंग रिवर है तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत होगी तो थ्री यहां पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है बनेगा ए ऑप्शन बट सिर्फ एक स्टेटमेंट ही ठीक है दो ही ही ठीक 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 है, है। तीन है, या कोई भी नहीं है. तो ऐसे ऑप्शन दे देती है, तब आपको थोड़ा मुश्किल आ सकता है तो इस वजह से कहूंगा कि मेजर जो रिवर्स के आसपास तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको क्योंकि अगर ये विरूपक्ष न्यूज में रहा है तो इस वजह से हो सकता है कि कोई और टेम्पल के बारे में उसके साथ जोड़कर इसी तरह का मैच फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ जाए और फिर कल को लोग क्या कहेंगे कि ये ऑप्शन में, में, में था बात 2019 में भी है तो हम्पी के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रॉबिबिलिटी काफी हाई रहने वाली है गोपुरम मतलब वो जो आपका ये अब बात करते हैं अगली प्लेस इन न्यूज के बारे में नेशनल नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क की देखिए से एक टाइगर आप अपनी नानी के घर आपका इरुवली, एरिया में देखा गया आंध्र प्रदेश के आसपास अब अगर बात की जाए तो लगभग 40 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में पापीकोंडा और इसके बीच में डिस्टेंस है जहां से ये टाइगर पकड़ा गया तो बात की जाए आंध्र प्रदेश के अंदर जो हम बात कर रहे हैं ये टाइगर रिजर्व इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं सबसे पहले पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की बात की जाए तो इसमें आपको याद रखना है कि ये दो इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के अंदर फैला हुआ है एक तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश पहले दोनों एक हुआ करती थी अब अलग होने के बाद से ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में और उसके अलावा तेलंगाना के खामम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये आपको देखने को मिलता है इट इज लोकेटेड नियर द रिवर गोदावरी गोदावरी रिवर इससे पास करते हैं दैट इज वेरी क्रिशअल उसके साथ साथ अंग्रेजों के टाइम पे इसे आ, रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया था बाद में आजादी के बाद 1978 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया और 2008 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला अगर बात की जाए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हिल मिलती है जिसकी वजह से इसका नाम पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला पड़ा वो है पापीकोंडा हिल इसके आसपास अगर बात की जाए आपको लाइक like, आपको जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स वगैरह देखने को मिलते हैं थोड़े बहुत रिवर्स के आउटलेट्स देखने को मिलते हैं वैसी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो आपको यहां देखने को मिलते हैं इज टाइगर लियोपोर्ट हाइना एंड आपके वनरेबल uh, बॉयवेडी यहाँ पर देखने को मिलता है द इंडियन गौर इंडियन गौर यहाँ पर आपको जो वर्नेबल कैटेगरी में आता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। में, सांबर, डियर, और इसके साथ फ्रेश वाटर के क्रोकोडाइल्स और इंडियन गोल्डन गीको ये यह यहाँ पर देखने को मिलती है अगर बात की जाए यहाँ पर ओरिजिनेट करती है आपकी लाइक एक लोकल वैरायटी Uh, ki, kangchu mekha. Kangchu mekha रखना, यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो व्हेन वी टॉक अबाउट यहाँ पर वेजिटेशन ड्राई डेडियस टाइप की देखने को मिलती है अगर बात कीजिए जनरली ड्राई डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इसके अलावा यहाँ पर पापी कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको यही कुछ जानना था तो इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपका हाँ कुछ चीजें जो आपको लाइक टाइगर रिजर्व दूसरे टाइगर रिजर्व के बारे में जानना है दैट इज नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में वो हम जान लेते हैं देखिए नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को पहले राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था 1992 तक बाद में ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर भी आया आपका लाइक उससे पहले ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर भी आया था और इसे एस्टेब्लिश किया गया था में। आंध्र प्रदेश के पांच डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पांच डिस्ट्रिक्ट एक दो इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और आपका नागार्जुन सागर यहां से फ्लो करती है आपकी कृष्णा रिवर वहां से गोदावरी कर रही थी और यहां से कृष्णा कर रही है इंपॉर्टेंट है याद रखना

आरबिट रणथंबोर नागार्जुन श्रीशैलम सुंदरबन यस yes, दैट इज करेक्ट नागार्जुन श्रीशैलम तो अगेन अब आपको कह सकते हैं कि नागार्जुन श्रीशैलम न्यूज़ में था और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसके बारे में बात हो रखी है तो डेफिनेटली इस टॉपिक को भी आप स्टार मार्क कर सकते हो पॉसिबिलिटी है डायरेक्टली इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ट्रिब्यूटरी आके गिरती है जैसे यहां पर ये ये आपको चिनाब देखने को मिल रही है इसमें जेलम आके गिर रही है राबी आके गिर रही है और शत्रुज आके गिर रही है तो कहा जाता है कि कौन सी आपकी रिवर है तो

और नाम दिया जाता है चंद्रभागा बाद में इसे लाइक आप चनाव रिवर के नाम से जानते हैं और ये पाकिस्तान में फ्लो करके जेलम के साथ मिलके आगे जाकर इंडस में जुड़ती है तो यहां पर अगर बात की जाए इसके ऊपर हम श्रीन, श्रीनगर के आसपास जम्मू कश्मीर में एक रेटले प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अब रेटले प्रोजेक्ट में आपको यही याद रखना है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देखिए पहली चीज इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर इंडस जेलम और चिनाब इन तीनों रिवर्स के वाटर के ऊपर पाकिस्तान को राइट दिया गया है, इस वजह से रैटले प्रोजेक्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं जिससे आठ सौ मेगावाट हम एनर्जी जनरेट करेंगे प्लस इससे फायदा ये होगा कि 4000 से ज्यादा लोगों को हम रोजगार प्रोवाइड कर पाएंगे जम्मू कश्मीर में इसके अलावा इसमें पांच हजार करोड़ से ज्यादा की लागत लगेगी और यहां पर आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये है है कि इस प्रोजेक्ट का आप खासा इंपैक्ट देखेंगे सीपैक सीपैक के ऊपर भी क्योंकि सीपैक इसके बहुत करीब से जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर हम ज्यादा फोकस करें बिकॉज जब से जम्मू कश्मीर एक यूटी बनी है उसके बाद से ये सबसे बड़ा और मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है इंडिया का जम्मू कश्मीर के अंदर इसमें दो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का शेयर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फिफ्टी वन परसेंट थ्रू नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉपोरेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट की कश्मीर कश्मीर जम्मू स्टेट पावर डेवलपमेंट का शेयर रहने वाला है mm -hmm. <coughs> <coughs> जैसा कि मैंने आपको कहा डिस्ट्रिक्ट से किश्ते होके निकलेगा तो दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्टिकल नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन Indus this water treaty between India and Pakistan broke by World Bank was signed in 1960. The treaty was signed by India's Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistan President Farooq Laghari, Faisal Ali Chaudhry, Muhammad Ayub Khan and Mirza. This is the third question of the day. Yes, the correct answer is option C, that is.

प्रोजेक्ट पर चंबल चंबल की ट्रिब्यूटरीज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है इससे फायदा ये है कि राजस्थान के कुछ आपके एरियाज़ एरिया डिस्ट्रिक्ट है जिनको वाटर सप्लाई मिलेगी जैसे अलवर भरतपुर धौलपुर माधोपुर दस दसु, दसु, दसुआ जयपुर अजमेर तो बूंदी कोटा बारन एंड झालवर तो ये वो एरियाज है जिनके अंदर वाटर सप्लाई यहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हम प्रोवाइड कर पाएंगे उसके अलावा यहाँ पर आप जैसे वाटर बेसिन है आपके बानस के के गंगा के और पार्वती के इनको भी वाटर सप्लाई कर पाएंगे अब इसमें जो सरप्लस वाटर है लाइक काली सिंध का पार्वती का मौज का और चंकन का उसको इन रिवर बेसिन से कनेक्ट किया जाएगा एंड ऑलमोस्ट जो हमारा लाइक नेशनल प्रोजेक्ट था थर्टी मेजर रिवर्स को आपस में कनेक्ट करने का उनमें से एक प्रोजेक्ट है ये अगर बात की जाए ये इंटरस्टेट प्रोजेक्ट रहने वाला है और अगर बात की जाए इसमें जहां पर ज्यादातर पार्ट इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा किसके बीच में राजस्थान को यहां से मिलेगा इसमें वाटर शेयरिंग के एग्रीमेंट कोस्ट बेनिफिट शेयरिंग वाटर एक्सचेंज के प्रोटोकॉल्स और लाइक बाकी जो चीजें मैकेजम्स क्या रहने वाले उन सबको डेवलप कर लिया है इंट्रा स्टेट नहीं इंट्रा बेसिन है इंटर स्टेट है इंटर स्टेट में दो स्टेट इन्वॉल्व है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश अब यहां पर एक चीज जो आपको याद रखनी है जब भी हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं ना देर इज सर्टन कंसर्न एज वेल देखो बेनिफिट तो आपको पता है बट कुछ कंसर्न होते हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे जब इन इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाती है तो कॉस्ट इन्वॉल्व इज वेरी हाई तो जिसकी वजह से अक्सर इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में मुश्किल आती है फिर मेन कंसर्न मेन कंसर्न इसका एक ये आता है जब हम बात करते हैं जो आसपास का एरिया है वहां पर केमिकल आइलैंड्स की एक प्रॉब्लम आ सकती है केमिकल आइलैंड की प्रॉब्लम क्या होती है देखिए जब हम बात करें किसी भी एरिया में आप इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब का एग्जांपल लीजिए तो यहां पर आप जैसे राइस की कल्टीवेशन पंजाब में होती है तो आप पूरी फील्ड को पानी से भर देते हैं जिसकी वजह से ये वाटर नीचे परकुलेट करता है और बाय बाय एक्शन द सन बाद में यहां पर वाटर सॉल्युबल आपके हेवी मिनरल्स टॉप सॉयल में प्रेजेंट हो जाते हैं जिससे धीरे धीरे ये जमीन बंजर हो जाती है और इसी को नाम दिया गया केमिकल आइलैंड का तो एक प्रॉब्लम यह भी देखने को मिलती है दूसरी प्रॉब्लम यहां पर एक आपको देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल रीजंस जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो हैं वो आपके इंक्रीज हो सकते अभी तो दोनों स्टेट्स में सेम गवर्नमेंट है मतलब दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट है बट कल को अगर दो अलग सरकार आती है तो जैसे कावेरी के, के केस में हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं ऐसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आपके और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जिससे इंडिया की यूनिटी के ऊपर असर पड़ता है साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कि इससे बहुत से लोग कई बार डिस्प्लेस होते हैं तो जिसकी वजह से माइग्रेशन की प्रॉब्लम आती है आपकी अब माइग्रेशन की प्रॉब्लम में क्या होता है कि लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर असर पड़ता है क्योंकि उनका रोजगार वहां से इम्पेक्ट होता है जहां पर वो पहले रहते थे वहां उनके पास अच्छा खासा रोजगार होता होगा बट बाद में वो रोजगार कम होता है अब रोजगार कम होता है तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोग भविष्य में पावर्टी के घेरे में आ जाते हैं मतलब पावर्टी के ट्रैप में फंस जाते हैं तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है शॉर्टकमिंग है जो आपको इसके बारे में याद रखनी चाहिए कि मेजर इश्यूज इस तरह के कुछ आ सकते हैं और एक आप कोयना का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं अगर आप में से कोई महाराष्ट्र से है तो उन्हें पता होगा महाराष्ट्र में कोयना के ऊपर एक डैम बनाया गया था जिससे डैम इंड्यूस्ड अर्थक् प्रोड्यूस हुए थे तो अगर कोई बहुत हेवी स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है तो उसका भी इंपेक्ट देखने को मिलेगा डाइवर्सिटी का ऊपर तो इंपेक्ट है ही है तो दीज आर द मेजर दस दैट यू हैव टू रिमेंबर अब बात की जाए जैसे चंबल रिवर है ये पार्वती काली तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है तो आगे जाकर ये बानस रिवर वगैरह को हेल्प करेंगे वाटर सप्लाई में तो दीज आर दैट यू हैव टू अब बात करते हैं टिगरे के बारे में टिगरे क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली अभी ये बताया जा रहा है कि फूड एड टिगरे रीजन में ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है मतलब जिन जरूरतमंद लोगों को फूड सप्लाई नहीं कर पा रही है तो लगभग इस टारगेटेड फूड एड के लाइक इनको जरूरत है जिनको यह मिल नहीं पा रहा है तो इथोपिया की बात की जाए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहां पर देखिए अगर इथोपिया की बात की जाए ये आपका इथोपिया है इसके आसपास आपके कुछ छोटी छोटी कंट्रीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके नॉर्थ में आपको इर्तिया देखने को मिलता है इसके यहाँ पर वेस्ट साइड में आपको लाइक एक कंट्री देखने को मिलता है सूडान उसके अलावा यहाँ पर नीचे की बात करें तो ये आपकी साउथ सूडान आ जाती है फिर यहाँ पर आपकी केनिया आ जाती है और ये आपकी आ गई कौन सी कंट्री दैट इज सोमालिया और ये जिबूती तो आपको याद रखना है कि कुछ कंट्री से घिरा हुआ सुडान साउथ सुडान यहां पर नीचे आ आ गया गया आपका आपका केनिया यहां पर सोमालिया एंड ये जिबूती कई बार अक्सर यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है आसपास आपको क्या मिलता है अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेक है डाटस लेक ताना इस लेक ताना से ओरिजिनेट करती है आपकी ब्लू नाइल तो ये लेक ताना की लोकेशन भी आप याद रखना इथोपियन से ओरिजिनेट करती है ये एंड ग्रेट रिफ्ट वैली जो आपको इस आ, पूरे अफ्रीका में देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर बहुत सी लेक्स आपकी लोकेटेड है जैसे लेक तंगानिका वगैरह एंड ऑल विक्टोरिया एंड ऑल तो ये भी आपके आसपास से लोकेटेड है अब देखो ब्लू नाइल व्हाइट नाइल आपकी लेक विक्टोरिया से निकलती है एंड ब्लू नाइल निकलती है आपकी यहाँ से किस एरिया से इथोपिया वाले हाईलैंड एरिया से ताना से तो ये आपस में मिलकर आगे नाइल बनाती है और ये ड्रेन करती है आपकी मेडिटेरियन सी के एलेक्जेंडर पोर्ट के पास तो ये भी आपको याद रखना है कि आगे जाकर ये ये में जाके मिलती है है सुडान, सुडान की एक कैपिटल वहां पर ये आपस में मर्ज होती है तो यहां पर आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना था अब जोग्राफिकल लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया इसकी कैपिटल सिटी है एडिस अबाबा एंड सेट इसके अलावा इसके अंदर कुछ है नहीं खास अब इसमें ये आपका क्वेश्चन है किसी एरिया के बारे में जैसे इथोपियन हाईलैंड मैंने आपको बताया ना तो वैसे ही कुछ अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंटोलिया टर्की में है क्या अल्महारा आपका इथोपिया में है क्या क्या काबो आपका स्पेन में है क्या कैटिलोनिया इटली में है क्या कौन से पेयर ठीक से मैच है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था हाँ जी जल्दी से इसको आंसर कीजिए 2022 में हमारा इथोपिया के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है एंटिलोनिया इज इन स्पेन एंटिलोनिया आपका टर्की में है आपका लोकेटेड है बिल्कुल इथोपिया में uh, काबो कहाँ पर लोकेटेड है काबो, इट्स इन मुजैम्बेग बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो याद रखना कि ये लास्ट के दो इनकरेक्टली मैच है पहले दो करेक्टली मैच है आंसर बनेगा ओनली टू पेयर्स आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की रामसर साइट्स के बारे में देखिए रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो इंडिया में अभी तक 75 रामसर साइट्स थी अब बढ़कर 80 हो गए हैं अब रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो 1971 में ऑन द सेकंड फेब ईरान के एक शहर कैसपिन सी के पास लोकेटेड आपके रामसर में एक मीटिंग होती है जहां पर वर्ल्ड लीडर बात करते हैं कि हम वेटलैंड्स को वाइस यूज करेंगे बिकॉज ये ह्यूमैनिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड प्लस यहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है बिकॉज ये आपका एक इकोटोन एरिया है जहां पर दो इकोसिस्टम आपस में आके मिलते हैं मतलब टेरिस्ट्रियल पार्ट एंड इक्वेटिक पार्ट इस वजह से इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो इन्हें कंजर्व करने की जरूरत है और इनका सस्टेनेबल यूज को हमें प्रमोट करने की जरूरत है अब सस्टेनेबल यूज के बारे में बात हुई तो यहाँ पर ये फोर्स में आता है 1972 में एंड इंडिया इसको ज्वाइन करता है 1982 में विद फर्स्ट साइट एज चिल्का कौन सी चिल्का लेक अब उसके बाद से अब तक काफी सारी साइट्स आपके ऐड की गई हैं अभी पांच और साइट्स को ऐड किया गया जिसमें से तीन आपकी कर्नाटका में है और दो आपकी तमिलनाडु में है तो इसमें आपको याद रखना है कि अब टोटल आपके नंबर ऑफ जो वो हो गए हैं वेटलैंड साइड अंक समुद्र देन किरावती एंड लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व अगर बात की जाए इसमें से फर्स्ट थ्री जो है आपकी कर्नाटका में लोकेटेड है

अघ नाशनी के बारे में बात की जाए तो यहां पर आपको याद रखना है कि अग्नाशनी रिवर आपकी जब अरेबियन सी से मिलती है तब यहां पर एक ब्लैकिश वाटर स्ट्री क्रिएट होती है जिसके अंदर जो सलिटी है 5 से 35 पीपीटी के आसपास रहती है अब यहां पर लोकली इसके अंदर ग्रो की जाती है एक गजनी राइस फील्ड मतलब गजनी राइस अब वराइटी यहां पर उरिज, करती है आ, यहां पर मिलती है उसके अलावा यहां पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिसमें रिवर ट्रेन रिवन टन ओरिएंटल डाटर लेसर बैक ब्लैक गुल, वुली नैक स्टॉर्क एंड यूरेशियन कैचर ये कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनका नाम आप याद रख सकते हैं उसके अलावा मगधी कैरी के बारे में बात की जाए तो ये भी ह्यूमन मेड वेटलैंड है इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलते हैं तो यहाँ पर बार हेडेड ये सकते हैं, ये है इसका। यहां पर ये में रहते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से बर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जैसे पेंटेड कैटेगरीज के दो आपको यहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं। मिलते हैं कॉमन पोर्चर्ड तो के तो जनरली एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सी फार्मिंग वगैरह की जाती है जैसे पैडी शुगर कॉटन और कॉर्न को यहां पर उगाया जाता है एंड स्प्रिट रेड ग्राम को भी यहां पर उगाया जाता है अब यहां पर Uh, जो जैसे अगर बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं डेट इज बार हेडेड बारे पिन नॉर्दर्न स्लोवर देन कॉमन वेगॉन एंड यूरेशियन विगॉन एंड आपका कॉमन टेल और कॉटन टील ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स है जो यहां पर देखने को मिलते हैं नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट बट लास्ट वाले में लॉन्ग वुड में कुछ नाम आपके इम्पोर्टेंट आते हैं बिकॉज यहां पर ज्यादातर स्पीशीज आपकी है 26 में एंड चौदह कैटेगरी में ब्लैक नीलगिरी लाफिंग थ्रेश, और दूसरा है नीलगिरी ब्लू रिबॉर्न और कैटेगरी में आप नीलगिरी वुडन पीजन को याद रख सकते हो ये तीन स्पीशीज को याद रखना बाकी चाहे आप भूल भी जाओ इसके अलावा यहां पर एक लोकल वर्ड में इसे बुलाया जाता है सुलाई सुलाई का मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसके अलावा यहाँ पर शोलास फॉरेस्ट भी आपको आसपास के काफी एरिया में देखने को मिल जाते हैं जैसे नीलगिरी अन्नामलाई पालिनी कलक् एंड आपका कन्याकुमारी वाले एरिया में तमिलनाडु में तो दैट इज इट यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो आप यस इज अ कोस्टल वेटलैंड अच्छा आपका नरोरा का ट्रैक कैसा रहा सुदीप अच्छा रहा यस yes. इसमें एक ही आंसर आपका सही है डाटस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नॉट ऑल द वेटलैंड कम्स अंडर द रामसर कन्वेंशन एंड इफ वी टॉक अबाउट ये 2010 में रूल आया है और 1982 में हमने ज्वाइन किया था तो इतना लंबा समय गवर्नमेंट वेट नहीं करेगा तो दैट्स ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सूडान इट इट वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑलमोस्ट एट मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन ईरान जो सूडान uh, में जो इश्यूज चल रहे हैं लाइक uh, like कूप की वजह से

Uh, like uh, South Sudan civil war, living in Bidi, Bidi Some people flew from civil war in Somalia, lives in Dadaba refugee complex in Kenya. यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यहां पर आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन किसी को आज के टॉपिक को लेके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं देखो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट यू हैव टू कवर फॉर योर अपकमिंग प्रम्स तो इसको याद रखना वो पांच ही आई थी परसों वो ही उन्हीं के बारे में डिस्कशन रही है ये चलो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ थैंक यू वेरी मच प्रतीक बहुत दिनों बाद दिखे हो आप आजकल सुबह की क्लास में नहीं दिखते मंत्री चलो कोशिश करता हूं मैं